हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ डेली डोज। डेली डोज के ये पांचवे वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं पांचवे वीडियो तक आ चुका हूँ। अभी मजा आएगा ना वीडियो। एटलीस्ट मैं पांच वीडियो बनाने में कंसिस्टेंट रहा, इस बात पे मैं खुश हूँ। आइए आज इस वीडियो में हम इस फोटो की बात करने वाले हैं। ये फोटो मैंने जर्मनी के एक छोटे से टाउन में आईफोन 14 प्रो मैक्स के वाइड एंगल कैमरा को यूज करके क्लिक किया है। फोटो क्लिक करने के टाइम पे मैंने प्रो रोज मोड ऑन रखा था, जिससे मुझे फोटो की रॉ फाइल मिल पाए और मैं उसको अच्छे से एडिट कर पाऊँ। इस फोटो का एडिट करने के लिए मैं फोटोशॉप एंड लाइटरूम दोनों यूज करने वाला हूँ। फोटोशॉप में छोटी छोटी अनवांटेड डिटेल्स को कैसे हाइड करते हैं, ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या अगर ऊपर आई बटन में वीडियो भी मिल जाएगा। ये वीडियो को खत्म करने के बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। अब चलते हैं हम एडिटिंग की ओर। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू द स्क्रीन। फोटो को एडिट करने से पहले उसको एक बार अच्छे से जूम करके देख लेते हैं। हमको इस फोटो को अच्छे से समझना है, ये लिस्ट बनाना है कि इस फोटो में प्राइमरी एडिटिंग क्या क्या रहेगा। कंपोजिशन की बात करें तो ओवरऑल कंपोजिशन न्यूट्रल है, थोड़ा सा माइनर ट्विकिंग हम एडिटिंग में कर लेंगे। फोटोज में आप देख पाओगे कि बहुत जगह पे केबल्स है। राइट साइड में जो ये पुरानी हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की डिज़ाइन को कुछ केबल क्रॉस कर रहे हैं। उसके अलावा स्काई में हम कुछ केबल्स को देख सकते हैं, एज वेल एज ये यूक्रेन के फ्लैग पे केबल क्रॉस हो रहा है। तो चलिए फोटोशॉप में इस फोटो को पहले इंपोर्ट करते हैं, वहाँ पे केबल्स को रिमूव करते हैं एंड फिर लाइटरूम में जाके फोटो का बाकी कलर ग्रेड एडिटिंग खत्म करते हैं। एक बार फोटो को मैं जूम करके देख लेता हूँ कहाँ कहाँ पे ज्यादा डार्क एंड ब्राइट पार्ट है, उसके हिसाब से मैं एक्सपोजर्स, हाईलाइट, शेडो, व्हाइट्स एंड ब्लैक्स को एडजस्ट करूंगा। याद रखना फोटोशॉप के रॉ मोड में हमें इमेज को सिर्फ न्यूट्रल बनानी है, बाकी सारा कलर ग्रेड एंड कलर फिक्सिंग हम लाइटरूम में जाके करेंगे। अब मैं हिल टूल को लेके ब्रश की साइज मैं केबल के अकॉर्डिंग रख के हल्के हल्के हाथ से मैं केबल को रिमूव करूंगा। मेक श्योर इस प्रोसेस में फोटोशॉप जो पिक्सल्स की रीसैम्पलिंग करता है वो सही हो। कुछ जगहों पे केबल एकदम पतला है, वहाँ पे मैं ब्रश की साइज एकदम छोटी करके छोटे छोटे स्ट्रोक मार के मैं केबल्स को रिमूव करूँगा, जिससे डिज़ाइन में पैटर्न बरकरार रहे। केबल्स को परफेक्टली रिमूव करने के बाद मैं इस फाइल को एज अ PSD सेव कर लूँगा एंड लाइटरूम में जाके मैं इस फाइल को इम्पोर्ट करूँगा। फोटोशॉप में करेक्ट किए इस फोटो को लाइटरूम में अपलोड करने के बाद एडिटिंग शुरू करने से पहले मैं कलर ग्रेडिंग के बारे में थोड़ा सोचता हूँ एंड इस इमेज के हिसाब से मुझे लगता है कि मेरी फाइनल इमेज का ओवरऑल टोन वार्म होना चाहिए। तो मैं इस बात पे श्योर हूँ कि मैं अपना कलर टेम्परेचर पक्का बढ़ाऊँगा। इमेज में लाइट ऑलरेडी काफ़ी है, एक्सपोजर को मैं नहीं बढ़ाऊँगा, पर हाईलाइट को कम करने के लिए मैं हाईलाइट्स की वैल्यू कम कर दूँगा, शेडो को थोड़ा बढ़ाऊँगा। और क्योंकि इस इमेज में बहुत सारे एलिमेंट फोकस्ड है, इसीलिए उसको अच्छा दिखाने के लिए मैं टेक्सचर एंड क्लैरिटी की वैल्यू बढ़ा दूंगा। इमेज में थोड़ा डार्क ड्रामेटिक हेज लाने के लिए मैं डीहे स्लाइडर की वैल्यू थोड़ी बढ़ा दूंगा। अभी भी इमेज फ्लैट लग रही है क्योंकि इमेज के सारे पिक्सल में ओवरऑल ब्राइटनेस की वैल्यू सेम है, इसीलिए मैं टोन कर्व में जाके हाईलाइट्स को कम कर दूंगा, थोड़ी सी लाइट्स को बढ़ाऊंगा एंड पिक्सल्स में डार्क की वैल्यू कम कर दूंगा। शेडो को मैं थोड़ा और ओपन कर दूंगा एंड स्लोली स्लोली आप देख पाओगे इमेज में काफ़ी एक ड्रामेटिक लुक आना शुरू हो गया है। अब चलते हैं कलर ग्रेड की ओर। इमेज में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं एंड बहुत सारे कलर्स भी हैं, तो कलर ग्रेड में हमें थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, इसलिए मैं HSL कर्व में जाके हर एक कलर के सैचुरेशन एंड ल्यूमिनेंस के साथ थोड़ी छेड़खानी करके इमेज के कलर्स को मैं लॉक कर दूंगा एंड नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ता हूँ। कभी कभी कलर ग्रेड करने के टाइम पे आपको ये लगेगा कि
पर्टिकुलर एक कलर का डोमिनेंस ज्यादा हो रहा है। इस फोटो को एडिट करते समय मुझे ऐसा लग रहा था कि येलो एंड ऑरेंज कलर का डोमिनेंस ज्यादा है, पर कुछ जगह पे उसका डोमिनेंट विजुअली अच्छा लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये पीछे पुराने घर है, वहाँ पे ये ऑरेंज टिंट अच्छा लग रहा है, पर ये राइट साइड में ये जो पुराने बिल्डिंग है वो काफी येलो लुक वाली लग रही है, जो विजुअल को डिस्टर्ब कर रही है। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए मैं ब्रश टूल में जाके मैं इस बिल्डिंग के वो सारे पिक्सल सिलेक्ट कर लूंगा जिसको मुझे एडिट करना है। इतने पार्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं उसके एक्सपोजर एंड व्हाइट बैलेंस के साथ थोड़ा छेड़छाड़ करके मैं अपने इस स्टेप को यहाँ पे लॉक कर रहा हूँ। इमेज में थोड़ा सा ओवरऑल सैचुरेशन कम करके मुझे ओवरऑल अच्छा विजुअल मिल रहा है। बस ये बॉटम पार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, जहाँ पे लाइट ज्यादा ओवर एक्सपोज हो रही है, जिसकी वजह से अगेन इमेज फ्लैट होना शुरू हो गई। इसको फिक्स करने के लिए मैं ग्रेजुएटेड फिल्टर लूंगा, बॉटम के उस पिक्सल्स को सिलेक्ट करूंगा जिसकी ब्राइटनेस वैल्यू मुझे कम करनी है। कुछ और ग्रेजुएटेड फिल्टर को यूज करने के बाद ओवरऑल मैंने अपने इमेज का कलर ग्रेड लॉक कर दिया। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है इस इमेज को कंपोज करना। इसके लिए मैं ट्रांसफॉर्म एंड क्रॉप टूल को यूज करके इमेज को थोड़ा काट कूट के स्केल करके एक अच्छा कंपोजिशन लॉक करूंगा। कंपोजिशन को सेट करते ही मेरा ओवरऑल एडिटिंग खत्म हो गया। मुझे अभी भी एक करेक्शन लग रहा है, इस इमेज का जो की एलिमेंट है ये बैकग्राउंड में रहे, ये छोटू छोटू से पुराने घर है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने की एलिमेंट को और एम्फासिस करूँ, इसीलिए मैं ब्रश टूल को सिलेक्ट करके वहाँ के पिक्सल्स को सिलेक्ट कर लूँगा। थोड़ा सा टेम्परेचर एंड टिंट के साथ खेल के हाइलाइट्स को मैं थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दूंगा, जिससे ओवरऑल इमेज में इस पोर्शन का वेटेज बढ़ जाए। बेसिक करेक्शन में छोटे मोटे करेक्शन करने के बाद मैंने अपने इमेज का एडिटिंग लॉक कर दिया एंड इस फोटो को मैं एक्सपोर्ट करके अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करूंगा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो एंड आप चाहते हो कि मेरे ट्यूटोरियल को फॉलो करने के लिए आपको ये सेम फोटो चाहिए, तो मैं इस फोटो को डाउनलोड करने के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से डाउनलोड करके अपना खुद का भी एडिट ट्राई कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो एंड मैंने आपको कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पास की हो, जिसे आप डेली लाइफ में फोटोग्राफी बहुत आसान एंड बेहतर तरीके से कर पाओ। अगर आपके पास मेरे लिए कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके बताना। इस चैनल पे आपको आईफोन एज वेल एज स्मार्टफोन फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।